Well, what's up everyone? कैसे हैं आप सब? And I hope आपकी life में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा. कोरोना वायरस की जंग में अभी तक तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और होपफुली बहुत अच्छा करेंगे as compared to other देश जो कि है अपने USA और स्पेन, फ्रांस वगैरह हैं. तो इनसे अच्छा हम लोग काफ़ी कर रहे हैं. और गाइज, मैं यही सबको सपोर्ट दिलाना चाहता हूँ कि सब लोग कह रहे हैं कि सर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं इस लॉकडाउन में, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं. मतलब पहली बात तो यार, तुम इससे सोचो ही मत कि तुम लॉकडाउन में हो. ऐसा सोचो कि तुम देश के लिए कुछ कर रहे हो, देश को तुम बचा रहे हो घर में रह के. सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसा है वैसा चलने दीजिए, और ये हमारी भलाई के लिए ही है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप स्टेटस देख सकते हैं कि बाहर के देशों में क्या हाल हो रहा है, और इंडिया अभी कितना अच्छा रिकवर भी कर रहा है, और कितने कम केसेज में हम लोग अभी भी बहुत अच्छी स्कीम्स और बहुत अच्छे प्लान्स लेके आ रहे हैं. सो आई होप एंड आई प्रे एंड मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि लॉकडाउन की ये बोर हो रहे हैं ये सब की प्लीज़ वीडियोज़ आप मत डालिए, या हम लोग काफ़ी अनईजी फील कर रहे हैं या हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्लीज़ ये सब वीडियोज़ मत डालिए. इससे सिर्फ डीमोटिवेशन होगी लोगों को, और ये अच्छा नहीं है एज अ इंडियन होने के नाते. और गाइस, जिन लोगों ने मेरे नए चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लेना जाके, वो है आकाश द इंडियन, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं मर्चेंट नेवी के ऊपर. कि कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास तो सोचा कि उनको लेके एक वीडियो बना दूं. और मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा लॉकडाउन में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली. और मैं क्या कर रहा हूँ फ्री टाइम में, मैं बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, ठीक है, बहुत कुछ ऐसे खाना बनाना सीख रहा हूँ और भी है. सो गाइस, ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए, आप बोर नहीं होंगे. बिकॉज सी फेयर के नाम पर मैं बताऊँ, हम लोग जब हैं सीमैन हमें पता है कि खाली टाइम में कैसे फ़ाइट करना है. सो हमारी आधी लाइफ निकल चुकी है इन सब में. सो गाइस, इतना मुश्किल नहीं है, बस ज़्यादा इतना ध्यान मत दो कि जितना तुम सोचोगे ना कि लॉकडाउन है फंसे हुए हैं, उतना ही तुम्हें मुश्किल होता जाएगा आगे अपने टाइम को कवर करने में. सो गाइस, अभी है तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं यार, सबको प्रॉब्लम है, मुझे भी है, आपको भी है. बट अगर उन प्रॉब्लम्स को हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरह देखेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं दिखेगा. वी शुड सी इट दैट देयर शुड बी अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, सो ओनली देन वी कैन फाइट दिस. सो गाइस, ठीक है, प्रॉब्लम है, आप टाइम पास करिए, अपने दोस्तों से करिए, मेरे साथ करिए, बातें कीजिए, कमेंट्स डालिए, फ्रेंड्स से बात कीजिए, नई नई ऐप्स ट्राई कीजिए, सिंगिंग की करिए. जैसे मैं स्टार मेकर पे भी आकाश मर्चेंट नेवी नाम से भी कर रहा हूँ, अभी दो गाने मैं डाले हैं. और इतना एक्सेप्शनल सिंगर तो नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करता रहता हूँ यार, नो लाइफ ऐसी होती है, आपको कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए. सो कोरोना वायरस में प्लीज़ इंडिया को सपोर्ट कीजिए, हम सबको सपोर्ट कीजिए, और अगर हम सब साथ रहेंगे तो बहुत जल्दी इस चीज़ को हम लोग एंड कर पाएंगे. सो गाइस, चलिए रुक करते हैं आपके कमेंट्स की ओर. जो आपके कमेंट्स थे कि सर क्या शिप पे जिम अवेलेबल है, तो गाइस देखो कैसा होता है ना, नॉट एवरी शिप इज़ द सेम, ओके. हर कोई शिप एक जैसा नहीं होता है, हर एक कंपनीज़ के जो शिप होते हैं वो अलग अलग होते हैं इन कम्पेयर टू द जिम रूम. सो बेसिकली तो जो मैक्सिमम शिप्स मैंने देखा था जब मैं पहले सेल करता था, तो उन शिप्स में क्या था कि अभी तो मैं जिसमें कर रहा हूँ उसमें जिम मेरे को अवेलेबल है, बिकॉज इट्स सेल्फ प्रोपेल्ड सेल्फ एलिवेटिंग जैकअप बार्स DP2. सो जैकअप बार्स DP2 पे मैं अभी फिलहाल प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ, और अभी नहीं, मतलब अभी तो घर पे हूँ. जैसे कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो बहुत जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा, होप सो. तो गाइस, उस पर तो जिम अवेलेबल है, उस पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है. और रही बात बाकी शिप्स की, तो देखो खुद से बनाना पड़ता है यार, मतलब वहाँ पे कहना क्रिएटिविटी ज़्यादा काम आती है. अगर तुम शिप पे ये सोच के जा रहे हो कि यार हमें वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो गाइस बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सीरियसली. क्योंकि शिप पे आपको जिम वगैरह खुद बना लो यार, आपके काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे, उनसे आप बना लो. ऐसा हमारा कैसा है कि कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम तो वेल्डिंग करके भी कुछ बना लेते हैं जिम के लिए, अगर नहीं मिलता सामान तो. सो बेसिकली वहाँ पे सिर्फ तीन चीज़ों का ध्यान देना है आपको, खाना अच्छा खाना है, जिम अच्छा करना है, और अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, और अपने काम पर फोकस रखना है, और वहाँ पर काम सीखना है. सो गाइज, ये थे आपके इस क्वेश्चन की बात, और इज इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ आई एम कमिंग टू मर्चेंट नेवी. सी गाइज, इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश देन इट वुड बी अ गुड थिंग फॉर यू. वाई? बिकॉज वैन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश ना, देन योर कॉन्फिडेंस इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो ट्राई टू लर्न इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड इफ यू मेक मिस्टेक्स देन नो प्रॉब्लम, यू विल स्टिल लर्न द इंग्लिश. और अगर हिंदी में कहूँ तो इतना हार्ड नहीं होता है गाइस, मतलब इतना कॉमनली जो वर्ड्स होते हैं ना वो सब वो लोग बोलते हैं. जैसे इतना ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं चाहिए, अगर आप पास है तो वो आपकी एडवांटेज है, इट्स नॉट लाइक दिस इज द डिसएडवांटेज. सो अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है, ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ी बहुत समझ में आती है तो भी काम चल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है. और सीख लोगे तो तुम्हारे लिए बेटर है, बिकॉज तुम ऑफिसर जाओगे तो तुम्हारा एटीट्यूड भी दिखता है, तुम्हारा बोलने का तरीका कैसा है वो भी दिखता है. और इंग्लिश बोलने से थोड़ा सा मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे वाले पे. सो
जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और ट्राई टू लर्न इन इंग्लिश और धीरे धीरे सीख लो, गलतियाँ करो. मैं कभी नहीं कहता गलतियाँ मत करो, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से. सो दैट्स द मेन थिंग. सो ये थे आप दो क्वेश्चन और कमेंट्स में आए हुए थे कि सर अभी प्लेसमेंट का क्या सिस्टम है, प्लेसमेंट का क्या सीन है और क्या कुछ अभी प्लेसमेंट के बारे में हो रहा है. जो लोग नए जीपी रेटिंग करके आ रहे हैं, जो लोग कैडशिप करके आ रहे हैं, उनके बारे में क्या है, अभी सब कुछ होल्ड पे है तो क्या होगा. सो देखो बेसिकली इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है. क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज देखो अगर आपने जीपी रेटिंग या कुछ कर भी लिया है और आप वेटिंग करो प्लेसमेंट के लिए, सो जैसे ही अभी ये सब कोरोना वायरस का फोर्थ फेज या थर्ड फेज ऐसा कुछ चल रहा है और आई होप कि ये बहुत जल्दी अंत में आ जाएगा. बिकॉज इंडिया के पास मेडिसिन है ऑलरेडी और उन्होंने भी काफ़ी उससे बहुत लोगों को ठीक भी किया है. सो होपफुली उसका और भी डेवलपमेंट चल रहा है तो बहुत जल्दी कोरोना वायरस का अच्छे से इलाज हो पाएगा. बस इतना होगा कि आप जब किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको जो आप मेडिकल नॉर्मली कराते हो ना अपना, तो उसके साथ में आपको कोविड 19 का एक और मेडिकल करके जाना पड़ेगा. जहाँ तक मुझे लगता है आने वाले फ्यूचर में ये वाला सीन ज़रूर होने वाला है. सो कोविड 19 का जो है वो ये सीन रहेगा और प्लेसमेंट वगैरह मिल जाएंगे, ऐसा कोई इशू है नहीं. बिकॉज मेरे पास भी ऑलरेडी अभी जो मेरे बुकिंग कैंडिडेट्स हैं, जो मेरे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने आप को बुक कराया हुआ है मेरे पास, तो उनका भी मैंने अभी सब कुछ एक डेटा बना रखा है और जैसे ही ये वैकेंसीज ओपन होती है तो मैं उनका ऑलरेडी CV वहाँ पे डाल चुका हूँ. सो जैसे उनका सिलेक्शन वगैरह भी हो जाएगा और जैसे कोविड 19 का होगा तो उनको हम भेज देंगे. सो ये थी मेरे लिए, मेरी तरफ से कुछ प्रिपरेशंस भी मैं कर रहा हूँ उनके लिए और उनको बता भी रहा हूँ. और रही बात काम की, तो गाइस काम के बारे में नॉलेज ले लो, ज़्यादा अच्छा है. इतना हार्ड नहीं होता शिप का, बट वही बात है, तुम अभी फ्रेश आए हो तो हार्ड होता है. और रही बात गाइस की, कुछ लोगों का कहना था कि सर ये लाइन बहुत ख़राब है और इस लाइन में कुछ फ़ायदा नहीं है, इस लाइन में सिर्फ पैसे वेस्ट हैं, इस लाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस लाइन में कुछ नहीं होता है, एजेंट लूटे खाते हैं एंड ऑल दैट. सो ये सब बातें भी काफ़ी ज़्यादा आई थी तो उसके बारे में बता दूँ. देखो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कुछ कंपनीज हैं, तुमने कोर्स किया ठीक है, 2-2.5 लाख तुमने वहाँ पे लगाए और उसके बाद तुम्हें शिप भी चाहिए तो तुमने अच्छे पैसे वहाँ पे भी लगाए, 3-3.5 लाख रुपये वहाँ पे भी लगाए, ऑलमोस्ट 5.5-6 लाख में तुमने अपना सब कुछ काम सेट करके तुम शिप पे चले गए. तो सबसे पहली बात है कि तुम्हें वहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी मिलती है ठीक है, जो कि IMO रजिस्टर्ड रहती हैं और उनके शिप्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड के होते हैं, सैलरी स्टैंडर्ड की होती है, खाना स्टैंडर्ड का होता है और RPSL के थ्रू वो जाते हैं. और जो नए बंदे आते हैं ना उनको ये सब फैसिलिटी नहीं पता होती है, दैट इज़ द मेन थिंग कि वो फ्रॉड में फंसते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि शिप कैसा होता है, बिकॉज उन्होंने शिप कभी देखा नहीं होता है. बस एक विजिट जरूर करवाते हैं बट उससे इतना आइडिया नहीं लग पाता जितना नॉर्मल लगना चाहिए. सो जो एजेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारा 2 लाख में करा देंगे, हम तुम्हारा 3 में करवा देंगे, अरे भाई वहाँ क्यों जा रहा है, हम तेरा 1 लाख में करवा देंगे, 1.5 में करवा देंगे. तो गाइस उनका क्या सीन होता है ना, देखो वो तुम्हें पता नहीं चलता है लेकिन जब तुम्हें वैसल देते हैं ना उस पर तुम्हें खाना भी नहीं मिलता है, उस पर तुम्हें मतलब पानी वानी तो खैर मिल जाता है बट इतना अच्छा खाना नहीं रहता है, सैलरी टाइम पर नहीं आती है और ज़्यादा ही परेशान करते हैं वहाँ के लोग. सो फिर उन्हें लगता है कि यार ये फील्ड ही ख़राब है और इस फील्ड को छोड़ दो. सो इसलिए मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत सारे हीटिंग की बातें भी की जाती हैं. सो इसलिए कहते हैं कि मर्चेंट नेवी एक ख़राब फील्ड है. बाकी जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज काम करती है, तो अगर तुम स्टैंडर्ड कंपनीज में जाते हो, जैसे मेरा कैसा है कि मैं चाहे भेजूंगा एक बंदे को लेकिन जाएगा वो स्टैंडर्ड कंपनी में, ऐसी वैसी मैं नहीं भेजता ताकि कल को वो मुझे बोले कि सर आपने मेरे साथ क्या किया. सो ऐसा मेरा काम है नहीं. कुछ नहीं होता है तो मैं उसको डायरेक्टली बोल देता हूँ कि भाई अभी CV सिलेक्ट नहीं हो रहा है और जैसे हो जाएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा. टाइम लग जाता है लेकिन कंपनी स्टैंडर्ड की मिलती है. बट उसी के चलते अगर तुम ऐसी कंपनीज में जा रहे हो जहाँ पर तुम्हें पता नहीं आगे क्या मिलने वाला है, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम्हें अच्छी कंपनी मिलेगी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी और जो बोल रहे हैं वही सैलरी मिलेगी. ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं गाइस कि एयरपोर्ट से लोग जाते हैं और वहीं से नेक्स्ट डे उल्टे आते हैं, बिकॉज फ्लाइट उनकी होती नहीं है, सिर्फ टिकट देके उनको कहते हैं तुम्हारी फ्लाइट हो गई है तुम जा रहे हो, और वो जब वहाँ से निकलते हैं तो उसके बाद बंदे वापस से आ जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है. तो इस चीज़ के फ्रॉड से बचो. जो कम पैसे में तुम्हें बोलते हैं ना, प्लीज़ अपनी पूरी इंक्वायरी करके रखा करो ठीक है. मेरे चैनल से भी सीख लो यार, मैं तुम्हें बताता रहता हूँ हर एक चीज़, तुम्हारे फायदे की बात है ठीक है. तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग कहते हैं कि मर्चेंट नेवी ख़राब फील्ड है, बहुत बुरी फील्ड है. तो ये सब अफवाहों को साइड में रखो, मर्चेंट नेवी बहुत अच्छी फील्ड है, ट्रस्ट मी. मेरा तो जो भी आज तक है सब इसी ने किया है मर्चेंट नेवी में. और सेविंग्स जो है गाइस एक बार ख़त्म होती है थोड़ी सी जब तक आप चीफ इंजीनियर तक पहुँचते हो, बट जितना जल्दी चीफ इंजीनियर बनोगे फिर टोटल सेविंग्स आपकी रहेंगी. सिर्फ जो सर्टिफिकेट है उसको आपको रीवैलिडेट करना पड़ेगा, दैट इज द मेन थिंग. सो आई होप सेशन काफ़ी लंबा हो गया. सो आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी था आकाश मर्चेंट नेवी के लिए. तो गाइस फ्रॉड से बच के रहिए, जो बोलते हैं कम में करवा देंगे ये सब करवा देंगे उन लोगों से प्लीज़ बच के रहिए. अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, कोरोना वायरस से बोर मत होइए प्लीज़, उसको थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कीजिए, मेरे साथ कीजिए, वीडियोज़ देखते रहिए, इंटरनेट तो एटलीस्ट मिल ही रहा है और अच्छी स्पीड में मिल रहा है, सो उसको थोड़ा सा एंजॉय कीजिए गाइस. प्लीज़ अपने इंडिया के साथ खड़े रहिए, सपोर्ट करिए. और गाइस जहाँ तक बात है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भाई कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, जीतेगा तो अपना इंडिया ही ठीक है, क्योंकि इंडिया से बड़ा कुछ नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता है. सो हमारे देश के लिए 21 दिन तो क्या, हम 101 दिन तक ही बैठने को तैयार हैं.
ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो बोलिए जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। तो गाइस अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। एंड दिस इज ऑल फॉर आकाश मिशन डे फॉर दिस सेशन। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टू टेक केयर। और आकाश द इंडियन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस पर मेरी वीडियोज रेगुलर आती रहेंगी। और अगर आपको मेरे गाने सुनने हैं तो स्टार मेकर पर मैंने मेरे गाने गा रखे हैं। आकाश मिशन डे भी आपका अपना दोस्त, अपना भाई, सो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। हैव अ ग्रेट डे।